होम्योपैथी नाम तो सुना ही होगा। कुछ बात तो है कि एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और दूसरी विद्याओं के बीच अब भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो होम्योपैथी पर भरोसा न करते हों। इसके बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो होम्योपैथी का दामन थाम लो। आज होम्योपैथी डे है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये सभी विधि इलाज की है। हर पैथी और विधि का अपना अपना महत्व है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा प्रचलित पैथी एलोपैथी है, जिसे हम अंग्रेजी दवाएं भी कहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि एलोपैथी के आगे अन्य पैथियां कुछ कमतर हैं या उनका असर कम होता है। बस एलोपैथी जल्दी असर करने वाली पैथी है, इसी कारण इसका प्रयोग अधिक लोग करते हैं। होम्योपैथी भी इलाज की एक पद्धति है। होम्योपैथी के डॉक्टर भी अन्य पैथियों की तरह इलाज करते हैं। लोग इस पर भरोसा कर इलाज करते हैं। भारतीय बाजार में मेडिकल स्टोरों पर होम्योपैथी की दवाएं भी बिकती हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती है। ये एक जर्मन चिकित्सक थे। इन्हें होम्योपैथी का संस्थापक भी कहा जाता है। इसी कारण हर साल इनके योगदान को देखते हुए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। डॉक्टर और इस पैथी पर भरोसा करने वाले इस दिन डॉक्टर हैनीमैन को याद करते हैं। बच्चों से जुड़ी बीमारियां, प्रसूति और स्त्री रोग, जोड़ों का दर्द, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, लीवर से संबंधित परेशानी, एसिडिटी की समस्या, संक्रामक रोगों में इलाज होता है। कोविड काल के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम का नाम इलाज के लिए सुझाया था। यह होम्योपैथी मेडिसिन है। आज विश्व में लगभग 100 देशों में मरीजों का इलाज होम्योपैथी से किया जा रहा है। होम्योपैथी पद्धति जहां कोई नुकसान नहीं करती है, वहीं इसकी दवाओं की लागत भी बहुत अधिक नहीं होती। होम्योपैथी विशेषज्ञों का कहना है कि इस पैथी में इलाज करते समय यह देखा जाता है कि व्यक्ति को असल में समस्याएं क्या क्या हैं। व्यक्ति की बीमारी को कम देखा जाता है। इस पैथी में यदि एक बीमारी से 6 व्यक्ति संक्रमित हैं, तो सभी 6 को एक तरह की दवाएं नहीं दी जाएंगी। सभी की दवाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथी दवा का सेवन खुद से बिल्कुल न करें, डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।